क्या आपका बच्चा बहुत ज्यादा आक्रामक होता है, कभी कभी हिंसक हो जाता है, चीजें तोड़फोड़ करता है, मारपीट करता है, मांग करता है, डिमांड करता है, तो वीडियो जरूर देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्य महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। काफी सारे पेशेंट आजकल परेशान है कि लड़का बहुत होशियार है, मार्क्स अच्छे कमा लेता है, पढ़ाई में भी ठीक है, मगर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। थोड़ा उसका मन के खिलाफ हो गया तो मारपीट करेगा, हाथ उठाएगा, मांग बहुत डिमांड करेगा, ये करो, ये होना, वो होना, मोबाइल होना, घड़ी होना, साइकिल होना, बाइक होना, पैसे होना, घर के बाहर घूमेगा फिरेगा, होटलिंग के लिए जाएगा, और उसके मन के खिलाफ किया तो कभी कभी अटैक कर देता है। और बाकी बहुत अच्छा है, ये कभी कभी हो जाता है, दिन में एक दो बार, तीन बार ऐसा हो जाता है। और माँ बाप को ही बोलता है कि तुमने मुझे पैदा किया, अब दो मेरे को, मतलब उनके ऊपर ही हमला करता है, उनको ही डिमांड करेगा, और फिर माँ बाप को लगता है भी करना क्या है इसका, बाहर बोल सकते नहीं कि हमारा लड़का ऐसा है, आजू बाजू वाले लोग देखेंगे, इसलिए घर के घर में चुप रहो। बड़ा लड़का हो गया, 17-18 साल का हो गया है, तो उसको मार भी नहीं सकते हैं, डर लगता है कि वो मारेगा ऐसा। उसको भर्ती करना है तो हम बोलते कि नहीं भाई, हमारे यहाँ बिना रिश्तेदार भर्ती करने की व्यवस्था है, उसको जरा रखो, हमारे यहाँ अनुशासन लाएंगे, उसको डिसिप्लिन लाएंगे। बोलते नहीं, फिर बाद में छुट्टी होने के बाद में हमको मारपीट करेगा। बेसिकली होता क्या है ये लोगों में कि ये बच्चों में कि अभी आजकल माँ बाप जो है वो बच्चों की जो सभी हरकतें हैं उसको लाइट ले लेते हैं, सभी डिमांड पूरी करते हैं। बचपन में छोटी डिमांड होंगी कि छोटा सा स्कूल बैग होना है, या एक अच्छा पेन होना है, या चॉकलेट होना है, या आइसक्रीम होना है, जो जो डिमांड पूरी कर देगा तो क्या होता है, डिमांड बढ़ते जाती है, और उनको ऐसी आदत होती है कि जो भी मांग लिया तो वो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उसके लिए हाथ पैर पटकना, फेंकना, नीचे बैठ जाना, चिल्लाना, चीखना चालू करेंगे। फिर तो बोलते जान दो भाई, इसको दे दो, फटाक से उसको दे दिया तो चुप बैठ जाता है, फिर वो बढ़ते जाता है। और फिर बड़ा होने के बाद में फिर बाइक होना, पैसे होना, दोस्तों के साथ में होटलिंग करना है, मोबाइल्स होना, या कुछ फेंक फाक कर देना, मन के खिलाफ कुछ भी होगा, तो भी खाने में जंक फूड होना, ऐसा चालू होता है। बेसिकली लोग अनुशासन नहीं है घर में, इसलिए ऐसा हो जाता है। एक तो इनका दिमाग जो है, ब्रेन है, वो एक तो हाइपर है, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है दिमाग ब्रेन की, पहले से उसको वैसा एक प्रोग्रामिंग हो जाता है कि फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस नहीं है। और दादा दादी घर में है, नाना नानी घर में है, या बड़े लोग हैं, तो बच्चों की डिमांड पूरी करने में पहले वो रहते हैं कि जान लो ना, बच्चा छोटा है, चलो करो डिमांड पूरी, पूरी डिमांड करो, जो भी मांग लिया वो करो, बाद में फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे माँ बाप जब हमारे पास में आते हैं, मैं बोलता कि इनको अनुशासन नहीं, डिसिप्लिन बिल्कुल ही नहीं है आपके बच्चों को, बाकी सब तो नॉर्मल है ना, वो पागल है, मगर घर में माँ बाप को रहना मुश्किल कर देता है। वो बोलता तुम ही बाहर निकलो, तुमने मेरे को पैदा किया, अब दो मेरे को ये, दो मेरे को वो, ऐसा करेगा और घर में वो रहना मुश्किल हो जाएगा। हम बोलते कि भाई इनको हमारे यहाँ रखो, बिना रिश्तेदार हमारे यहाँ पेशेंट को रखो, हम उसको काउंसलिंग करेंगे, हम उसका इलाज करेंगे और उसको अच्छा करेंगे। बोलते नहीं, हमारा पेशेंट पागल हो गया क्या, तुम्हारे यहाँ रखेंगे तो मेंटल थोड़ी हो गया वो, वैसा तो अच्छा है। बोला हाँ वैसा अच्छा है, मगर फिर अभी क्या है, पहले क्या करते थे लोग, पहले क्या करते, पहले जो माँ बाप रहते थे वो मानता नहीं है, तो फिर बोर्डिंग स्कूल में डाल दो, वहाँ फिर अच्छा अनुशासन हो जाएगा, घर में कंट्रोल नहीं करते, या फिर मिलिट्री में डालो या पुलिस में डाल दो, अभी वो भी नहीं करते। बोलते नहीं, इसको तो हमको सिखाने का है, हमको तो बड़ा बनाने का है उसको, ऐसा मतलब तुम्हारे सपने उसके थोड़े सपने हैं, उसको तो कुछ करना नहीं, उसको तो बस आइसक्रीम, मोबाइल, पबजी खेलना, बाइक होना, बस यही चाहिए उसको, उसको थोड़ी बनना है कुछ। तो इसमें फिर माँ बाप का काउंसिलिंग करना जरूरी होता है, माँ बाप की काउंसिलिंग, कि माँ बाप को टफ होना पड़ेगा, माँ बाप को उसको अनुशासन कैसे लाना वो सीखना पड़ेगा। और इलाज हम माँ बाप का करते, बच्चे का करते नहीं, क्योंकि बच्चे हमारे पास में नहीं आता है कि मुझे इलाज करो, माँ बाप आते कि इसका कुछ तो भी करो। और इसमें सबसे ज्यादा कल्प्रिट जो रहते वो दादा दादी घर में रहते, कि वो पूरी डिमांड, माँ बाप तुम जो कड़क हो गए, कठोर हो गए, तुम दादा दादी पूरे करेंगे उसका सब डिमांड, और उसमें फिर प्रॉब्लम आते रहता है। ये पेशेंट्स में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा कर रहा है तो थोड़ी हल्की सी मेडिसिन देना, और माँ बाप को काउंसिलिंग करना, सबके घर को फैमिली काउंसिलिंग करना जरूरी है। बहुत ही ज़्यादा कर रहा है तो हम एडमिट करते हैं बिना रिश्तेदार, एक दो महीने रखते हैं उसको, अनुशासन लगाते हैं, फैमिली काउंसिलिंग, इंडिविजुअल काउंसिलिंग करते हैं, उनको अच्छा करते हैं। ये भी आपको अच्छा लगा तो सभी वो माँ बाप को शेयर करो जिनके बच्चे 15 साल से लेके 25 साल के बीच में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं।
हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्त भारत, इसमें हमारे पार्टनर बनिएगा। आपको कुछ सवाल होंगे तो जरूर ऑनलाइन कंसल्टेशन करो, वीडियो कॉल करो। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।